स्वागत है PSST फूड के एक और नए वीडियो में। आज मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी। अगर आप नॉनवेज के काफ़ी शौकीन हैं, चिकन मटन के काफ़ी शौकीन हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को देख लें। आप ज़रूर चिकन मटन के ऑप्शन में कटहल की सब्जी खाना पसंद करेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। चलिए बनाते हैं एक इस नए तरीके से एक नई रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने कटहल लिया हुआ है। मैं यहाँ पर एक बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रख दूँगी और मैंने इसमें एक चम्मच नमक डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने कटहल को अच्छे से छील के अच्छे से काट लिया। इस शेप में हम देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने अच्छे से धो भी लिया इसको, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे कटहल को अच्छे तरह से काट लिया। अब मैं इस कटहल को पानी में डालूँगी। नमक वाले पानी में हम लोग इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने से जो कभी कभी कटहल में कड़वापन होता है वो निकल जाता है, इसीलिए मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। मैं सारे कटहल को इसमें डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें आलू भी डालूंगी, वो भी मुझे इस रेसिपी के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने 8 आलू लिया हुआ है, इसे भी मैं बॉईल कर लूँगी ताकि बॉईल आलू जो अच्छे से बॉईल हो जाए और कटहल भी दोनों ही अच्छे से बॉईल हो जाए। ये देखिए, अब मैं इसे ढक दूँगी, तब तक ये अच्छे से बॉईल होता है, तब तक हम लोग मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज काट के मिक्सी ग्राइंडर के जार में डाला है। 2 प्याज लिया हुआ मैंने, यहाँ पे मैंने 8 लौंग लिया हुआ, 8 से 10 लौंग मैंने इसमें डाला। अब मैं इसे थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। इसे मैं बंद करके अच्छे से पीस लूँगी। ये देखिए, इसका पेस्ट तैयार हो चुका है बिल्कुल अच्छा सा। अब मैं इस पेस्ट को एक कटोरे में निकाल लेती हूँ। बहुत ही यूनिक सा रेसिपी, आप ज़रूर इसे बना के ट्राई करें। यकीन मानिए, इतना टेस्टी कटहल की सब्ज़ी शायद ही आपने कभी पहले खाई होगी। यहाँ पे मैंने प्याज का पेस्ट को मैंने एक कटोरे में निकाल दिया। अब हम लोग इसमें मसाला भी डाल लेंगे, जो हम कटहल की सब्ज़ी बनाने में यूज करेंगे मसाले को, वो मैं इसमें डाल लूँगी। ग्राइंडर में थोड़ा सा पेस्ट था तो मैंने उसमें पानी डाल के इसमें डाल लिया कटोरे में। मैं इसमें 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैं इसमें 2 छोटा चम्मच ले रही हूँ। क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना मेजरमेंट देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं डालूंगी धनिया, 2 छोटा चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी, ये आप देखिए मैंने 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला। अब इसमें डालूंगी मैं 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला। यहाँ पर मैंने एक और एक्स्ट्रा धनिया पाउडर डाला, यानी मैंने इसमें 3 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, ये देखिए। हमारा तब तक कटहल और आलू दोनों अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, पानी बिल्कुल वाइट हो चुका है, यानी हमारे कटहल और आलू बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम लोग कटहल और पानी को अलग कर लेंगे। पानी अभी काफ़ी गर्म है तो अपने हाथों को बचा के रखें, या पानी ठंडा होने के बाद आप कटहल को भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से सभी पानी और कटहल को अलग कर लेती हूँ। इसे मैं ठंडे पानी से धो लूँगी ताकि जो है हमारा कटहल नरम हो जाए। हमारा कटहल जो बहुत ज़्यादा गर्म है और अभी सख्त भी होगा, गर्म ठंडे पानी से धोने से हमारा कटहल हल्का नरम भी हो जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। हम लोग आलू को छील लेंगे। चलिए आलू को फटाफट छीलते हैं। अच्छे से आलू को मैं छील लेती हूँ, ये आप देखिए। इसी तरह से मैं सारे आलू को छील लूँगी फटाफट। अब मैं कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई में मैं सरसों का तेल डालूँगी। 1 छोटी कटोरी मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। ये कटहल की सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ऑयल चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी अगर आपको टेस्टी खाइए तो आप सरसों के ऑयल में बनाएं। यहाँ पे मैंने 2 लहसुन की पूड़ी कली को छील लिया अच्छे से और मैं इसे डाल दूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी सूखी मिर्च थोड़ा सा। पहले डालते हैं तेज़पत्ता। यहाँ पर मैंने 4 तेज़पत्ता लिया हुआ और यहाँ पर मैंने 5 से 8 सूखी मिर्च ली हुई है।
अब हम इसमें डालेंगे जीरा, एक चम्मच मैंने जीरा लिया हुआ है, और इसे अच्छे से फ़ौरन को भुनेंगे तेल में। जब तक हमारा फ़ौरन अच्छे से भुन ना जाए बिल्कुल, आप इसे कंटिन्यू हिलाते रहें। फ्लेम को ज़्यादा हाई ना रखें, फ्लेम को मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम में कुक करें फ़ौरन को, तभी टेस्ट अच्छा आता है। वरना अगर हम ज़्यादा फ्लेम में पकाएंगे तो फिर फ़ौरन जलने का चांसेस होता है, इसलिए आप फ्लेम को मीडियम रखें और इसे कंटिन्यू चलाएं। हल्का जब लहसुन सुनहरे होने लगेंगे तो इसमें डालेंगे मैं 2 कटोरी प्याज। प्याज को मैंने पहले से काट के रखा था, ये मैंने इसमें 2 कटोरी प्याज डाला। अब प्याज को नरम होने तक तेल में अच्छे से भुने। प्याज हल्का नरम हो जाएगा उसके बाद, ये आप देखिए प्याज नरम भी हो चुका है और हल्का सुनहरा भी हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा प्याज भुन चुका है। अब हम लोग इसमें कटहल डालेंगे, ये मैंने कटहल, अब मैं इसमें सारा कटहल डालूँगी। बहुत ही यूनिक सा रेसिपी, आप ज़रूर इसे बना के ट्राई करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ज़रूर इसे बना के ट्राई करें, नॉनवेज को टक्कर देने वाला ये रेसिपी है। मैं कटहल को अच्छी तरह से भून लूँगी प्याज के साथ, 2 मिनट तक मैं कटहल को प्याज के साथ भूनूँगी अच्छे से। ये देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम लोग इसमें थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम लोग मसाले डालेंगे, जो हम लोगों ने मसाला पहले से बना कर रखा हुआ है प्याज का पेस्ट के साथ, वो हम लोग इसमें डालेंगे। तो चलिए डालते हैं। कटहल अच्छी तरह से भुन चुका है, मैं इसमें सारे मसाले डाल देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसे मैं अब अच्छे से चलाएंगे, मसाले के साथ कटहल को थोड़ी देर तक भुनना है। मसालों को अच्छे से हम लोग कटहल के साथ 2 मिनट तक भुनना है हम लोगों को। मैं अच्छे से इसको भून लेती हूँ 2 मिनट तक, मीडियम फ्लेम में इसे 2 मिनट तक मैं भूनूंगी, ताकि मसालों के साथ अच्छे से कटहल जो है पक जाए, मसाले जो है कटहल के अंदर तक चले जाए। फ्लेम को मीडियम रखूँगी 2 मिनट तक और मैं मसालों के साथ कटहल को भूनूंगी। ये देखिए मसाला बिल्कुल सूख चुका है। अब हम लोग इसमें डालेंगे आलू, जो आलू मैंने बॉईल कर स्टार्टिंग में बॉईल किया था वो मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए मैंने इसमें आलू डाल दिया, अब हम लोग इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी, ये आप देख सकते कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही। जब ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा, यकीन मानिए इतना टेस्टी बनेगा कि आप नॉनवेज से ज़्यादा इसको लाइक करने लेंगे जब आप इसे बना के खाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये बस बन के रेडी होने वाला है। अब हम लोग इसमें डालेंगे पानी ग्रेवी के लिए, मैं 1 छोटी कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और थोड़ी सी ग्रेवी को सूखने देंगे, अच्छी तरह से मिला ले ताकि मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। अब हम लोग इसमें बॉयल आने देंगे, तब तक हम इसे ढक लेंगे ताकि ये थोड़ा ग्रेवी के साथ पक जाए और जो मसाले हैं बिल्कुल कटहल के अंदर तक चले जाएं अच्छे से। ये देखिए हमारा टेस्टी सा सब्जी बनके रेडी है कटहल का, आपको ज़रूर ये पसंद आएगा, आप ज़रूर इसे बना के एक बार ट्राई करें, यकीन माने इतना टेस्टी है और इसका फ्रेग्रेंस तो नॉनवेज से भी अच्छा है, तो आप ज़रूर इसे बना के ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।